प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो किसानों के जो मन में भ्रम है उसको दूर करने की कोशिश की ही, लेकिन आज तमाम मंत्री भी सामने आए, उन्होंने भी सीधे संवाद स्थापित करने की कोशिश की किसानों से, सीधे उनको ही संबोधित किया। क्या कुछ कहा आज मंत्रियों ने, जो जो आज सामने आए वो भी सुनिए। दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारों के पक्ष में रहे हैं, उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं, वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। और किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, जब आपकी सरकार थी, शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे 2013-14 में किसानों के लिए कितना बजट देते, अरे हमारा हिसाब मांग रहा है, उल्टा चोर कुटवाल को डांटे। सरकार ने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, आप उस एक्ट के जितने भी प्राविधान हैं उन प्राविधानों पर चर्चा करिए। आप न हो तो अपने साथ में एक्सपर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को लेकर आइए, उस पर चर्चा करिए। कहीं पर भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो संशोधन करने के लिए भी हमारी यह सरकार तैयार है। पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे। किसानों को झूठ बोलकर बरगराने वाला अगर कोई पाप कर रहा है तो अमेठी का वो पूर्व सांसद राहुल गांधी कर रहा है। अमेठी का एक एक किसान जानता है कि खाद के संदर्भ में अमेठी के किसान की क्या दुर्गति होती थी। लाइन लगती थी खाद की दुकान के बाहर और पुलिस से लाठी चार्ज करवाया जाता था अमेठी के किसानों पर। ये भूला नहीं है अमेठी का किसान। हमारी संवाद की प्रक्रिया पूरे समय रहती है, पूरे समय हम खुले मन से खुले दिल से संवाद के लिए तैयार है। बाकी जो विपक्षी दल सिर्फ बयानबाजी में विश्वास करते हैं, उनको देश की जनता लगातार हर मौके पे मुंह तोड़ जवाब चुनाव के दौरान दे रही है। हमने प्रधानमंत्री को भी सुना, आपने तमाम बड़े मंत्रियों को भी सुना, सीधा हमला विपक्ष पर ही है कि कैसे बरकलाया जा रहा है किसानों को। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।